फर्जी असलहा लाइसेंस प्रकरण के मामले में मास्टरमाइंड गोपी उर्फ शमशेर आलम तथा उसके सहयोगी विकास तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता तथा एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम के निर्देशन में एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद भोतरे ने एसआईटी टीम गठित की थी, जिसके तहत सोमवार को फर्जी लाइसेंस के मास्टरमाइंड शमशेर आलम पुत्र सगीर अहमद निवासी चकसा हुसैन पचपेड़वा थाना गोरखनाथ, जो शहर से बाहर भागने के फिराक में था, और उसकी एक साथी विकास तिवारी पुत्र रविंद्रनाथ तिवारी निवासी राप्ती नगर थाना शाहपुर को फर्जी लाइसेंस और असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद भोतरे ने बताया कि गिरफ्तार गोपी उर्फ शमशेर आलम तथा विकास तिवारी के पास से फर्जी लाइसेंस पर खरीदे गए असलहे बरामद किए गए हैं। इसमें गोपी के पास से फर्जी लाइसेंस, एक पिस्टल और कारतूस तथा विकास तिवारी के पास से फर्जी लाइसेंस की प्रतिलिपि बरामद की गई है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। इसमें से इसमें एडवर्टाइजमेंट हो जाती है ना, फिर वो भी पास जो मिला है पिस्टल का, 9-7 पिस्टल मिली है। कार जो है ये दरोगा का लड़का है क्या? हाँ, विकास दरोगा का लड़का नहीं है, विकास दरोगा का लड़का नहीं है, माँ है। ये क्या करता है विकास? मेडिकल की स्टोर चलाता है। कहाँ से? गोपी क्या करता है? गोपी का बिजनेस के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हुई नहीं अब तक, बस ये पता चला है कि वो इसी तरीके के मतलब मिडिल मैन का काम करता है, शस्त्र दिलवाने का। कॉन्टैक्ट हो विकास की मुख्य कड़ी है क्या इस खुलासे? नहीं, विकास की मुख्य कड़ी नहीं है। विकास एक तरीके से, विकास ने लाइसेंस बनवाया है फर्जी तरीके से, लाइसेंस उसको पता था कि फर्जी तरीके से लाइसेंस वो बनवा रहा है, पर हो सकता है कि वो मेन कड़ी है। ये जो मुकदमा लिखा गया था कुछ दिन पहले 7/7/8/19 आर्म्स केस का मुकदमा है, आर्म्स एक्ट का, और 19/20/67/68/20 में सारी चीज़ें लगे हैं। उसी में आज दो लोगों की गिरफ्तारी की गई। एक का नाम है गोपी उर्फ शमशेर आलम और दूसरे का नाम है विकास तिवारी पुत्र रविंद्रनाथ तिवारी। गोपी से हमें एक फर्जी लाइसेंस की कॉपी ओरिजिनल जो मुझे उसके पास जो थी, और एक असला पिस्टल, उसके एक अदद पिस्टल उसके पास से बरामद हुई है, और विकास तिवारी से हमें एक जेरोक्स कॉपी बरामद हुई है जिसके ऊपर यूआईएन नंबर है, उसका फ़ोटो भी है। ये चीज़ें उसे बरामद हुई है, और जब विकास तिवारी के यूआईएन नंबर का सत्यापन करने की हमने कोशिश की थी, तो जब आर्म्स का जो पटल होता है ऑनलाइन पटल, उस पर नो रिकॉर्ड्स फाउंड करके दिखा रहा है। मूल रजिस्टर के साथ इसका सत्यापन अभी तक करना पॉसिबल नहीं हुआ है, क्योंकि शाम हुई थी और जो ऑफिस है वो बंद हो चुके थे। दूसरा जो गोपी है उसके पास से भी एक लाइसेंस मिला है, और मतलब उसका जो यूआईएन नंबर है, वो यूआईएन नंबर है 4913/गोरखपुर, और वो उसके अनुसार ये जारी हुआ है 2004 में। पर जब हमने इसका सत्यापन करने की कोशिश की, सत्यापन किया हमने, तो ऑनलाइन पटल से इसके जो असली ओनर है लाइसेंस के, वो तपन गांगुली मिले हैं शाहपुर थाने के, और ये लाइसेंस जो है ये 1995 में लाइसेंस जारी हुआ था उनको, तो इसी फर्जीवाड़े में इन दोनों को गिरफ्तार किया के जेल भेजा। अभी विवेचना के क्रम में है, इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू है, पर हाँ कुछ पता चल रहा है कि उसने कुछ लाइसेंस बनवाने में मदद की होगी। कितने लोगों देखिए इसमें चूँकि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, तो उनके ऊपर हम लोग आने वाले टाइम में भी कार्रवाई करेंगे।